गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। ओके बच्चों, तो मैंने आपको करवा दिए थे चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। कौन से बताइए? एक्सरसाइज वाले, है ना। 1-2 कहाँ तक हो गए थे? 3 तक। 1-2-3 हो गया था। आज हम करेंगे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्क्स परफॉर्म बाय एंट्स एंड नेम देम ऑन द नेचर ऑफ देयर वर्क। हमें क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। किसकी? एंट्स की। कि आंट्स कौन सा काम कौन सी आंट करती है, उसका नेम भी लिखना है और उसका वर्क भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वर्क्स डन बाय आंट्स और इधर लिखा हुआ है आंट नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए इसमें लिखना है हमें टू ले एग्स। अंडे कौन देती है? क्वीन आंट, ये आपको पता होना चाहिए। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है। ओके, टू टेक केयर ऑफ द एग्स, ये मैंने आपको बीच में चैप्टर में पढ़ाया था, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 66 पर, है ना, टेबल। टू टेक केयर ऑफ द एग्स, और अंडों का ख्याल कौन रखती है? जो रानी चींटी अंडे देती है उनका ख्याल कौन रखती है? वर्कर आंट, है ना, वो उनका ख्याल रखती है। टू प्रोटेक्ट एग्स हाउस सिक्योरिटी, घर और अंडों का कि कोई फोड़े नहीं, कौन करता है ये? उसका ध्यान कौन रखता है? सोल्जर आंट, है ना, उसका कौन ध्यान रखता है? सैनिक चीटी, है ना। चलिए अब देखिए सेकंड, विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू स्मेल। इनमें से किसको हम स्मेल करके, सूंघ कर बता सकते हैं कि ये वही चीज़ है? ठीक है, किसको पहचान सकते हैं उसकी स्मेल की मदद से? वाटर को, एयर को या सन को? अब इन तीनों की तो कोई स्मेल होती ही नहीं है, तो फ्लावर, फ्लावर की स्मेल होती है, तो क्या आएगा? डी, है ना, इसमें आएगा डी। अब थर्ड देखिए, विच ऑफ दीज पॉजेस आइज डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनमें से किनकी आंखें ह्यूमन बींग्स इंसानों से अलग होती हैं? हाउस फ्लाई की, मस्कीटो की, बोथ ए एंड बी, इन दोनों की या इनमें से किसी की भी नहीं? क्या पढ़ाया था कि हाउस फ्लाई, मक्खी और मस्कीटो, मच्छर, इनकी आइज कैसी होती है? हमसे ज़्यादा फैली हुई। क्या आएगा? बोथ फर्स्ट ए एंड बी। क्या आएगा? सी, इन दोनों की। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिव वन रीज़न वाई शुड वी अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स। एक रीज़न दीजिए कि हमें लिविंग बींग्स, ये जो जानवर होते हैं, इनको खाना क्यों देना चाहिए हमें? देखिए सबसे मेन रीज़न है बच्चों, ये बोल सुन नहीं सकते हैं बेचारे, है ना, हम तो फिर भी बोल कर खाना मांग लेते हैं पर एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, है ना। इनकी भाषा भी होती है पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इन्हें हर चीज़ में, बहुत सारे लोग इन्हें मार देते हैं, है ना, तो हमें कभी इन्हें मारना नहीं चाहिए। तो हमें इन्हें खाना क्यों देना चाहिए? वी अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स, हमें इन लिविंग बींग्स के लिए फूड अरेंज करना चाहिए, खाना इनको देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे कांट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद बना भी नहीं सकते हैं, सिर्फ ये ढूंढ सकते हैं, और अगर ढूंढते ढूंढते इनको किसी ने मार दिया तो ये वो वहीं पर इनकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हम इनको खाना दे दें तो क्या होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा और उन जानवरों को भी। अब देखिए, विच एनिमल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनमें से किस जानवर की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक है, अच्छी है? आंट, चींटियों की, क्रो, कौवे की, एलिफेंट, हाथी की या डॉग या फिर कुत्तों की? बच्चों आपने देखा होगा कि कई पुलिस वाले क्या करते हैं, कुत्तों को पालते हैं, अपने पास रखते हैं सिर्फ काय के लिए, ताकि कुत्ता स्मेल करके उस कहाँ तक, उस एविडेंस तक जा सके जहाँ पर क्राइम हुआ है ना, देखा होगा आपने टीवी में। तो डॉग की जो सूंघने की जो सेंस होते हैं स्मेल के, वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, तो इसमें आएगा डी। हु फ्लाइज इन द नाइट यूजिंग इकोहोलेशन, कौन रात में इको की मदद से उड़ता है? कौन सा जानवर उड़ता है? स्क्विरल, स्नेक, फॉक्स। फॉक्स, स्नेक और स्क्विरल, ये तीनों तो उड़ते हैं ही नहीं,
तो क्या आएगा इसमें? चमगादड़। चमगादड़ ही क्या करता है, इतनी तेज़ आवाज़ निकालता है कि सामने किसी ऑब्जेक्ट से जब किसी चीज़ से उसकी आवाज़ टकराती है तो वापस उसके कानों पर आती है और वो उसी ईको को फॉलो करते हुए उड़ता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, सेकंड में है डी, थर्ड में है सी, फिफ्थ में है डी, सिक्स में है ए, और ये बाकी फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन आप इसमें कर ले। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ सेक्शन में या ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच, और आप राइटिंग सही लिखें। ठीक है बच्चों।